नमस्कार किसान भाइयों, आशा है दोस्तों आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने अभी आलू की अंतिम अवस्था पे स्प्रे करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही अगर अब भी आपके आलू का साइज छोटा है और कुछ लोग कहते हैं कि 90 दिन के आसपास जब आलू हो जाता है तो फिर साइज नहीं बढ़ता, तो मैं आपको बता दूँ कि जो कुफरी भार वेराइटी है 37-97 वो 90 दिन की उसकी लाइफ होती है, और जो कुफरी मोहन है उसकी 70-80 दिन की लाइफ होती है, और जो चिप्सोना है या चिप्सोना के समकक्ष T7 वगैरह ये वेराइटी है, सूया है, इनकी लाइफ 120 दिन के आसपास होती है दोस्तों। तो इसके अलावा दूसरा, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि ऐसा नहीं है कि आलू अब 90 दिन का हो गया अब इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपका वेजिटेशन यानी कि पौधा और उसका तना डंठल हरा भरा बना रहेगा तब तक आलू जो है आपके खेत में फूलता रहेगा। मैंने क्षेत्र में दौरा किया तो मैंने देखा कि काफ़ी मात्रा में लोगों के आलू की साइज छोटी थी, और कई सारे किसानों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि आलू बहुत छोटा है अभी, क्या ये आगे फूलेगा। तो दोस्तों जिस फसल में रोग है उसमें तो पहले रोग ही सही हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फसल को वेजिटेशन को हरा बना बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आलू फूल जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि पहले तो उसमें रोग से मुक्ति मिले। अगर रोग ज़्यादा दिन अंतिम अवस्था पर अगर ज़्यादा दिन रह जाएगा तो वो फिर ट्यूबर के अंदर चला जाएगा और ट्यूबर भी फिर उससे प्रभावित होगा, इसलिए पहले रोग ठीक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब आप मान लीजिए अब निरोगी फसल है, अब आपको स्प्रे क्या क्या करना है। तो दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा आलू को ज़रूरत होती है, जबकि ट्यूबर्स बन चुके हैं, अब हमें ट्यूबर नहीं बनाने हैं, जो ट्यूबर हमारे बन गए हैं उनकी जितनी भी संख्या है वो पर्याप्त साइज के हो जाए, सभी साइज में बराबर हो जाए, इसके लिए NPK 0050 जिसको हम जो है पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट खाद देनी है आपको। और पोटेशियम सल्फेट खाद देने के लिए जो है उसको कई तरीके होते हैं। एक तो अगर आपकी सिंचाई रह गई है तो 3 से 4 kg पोटेशियम सल्फेट आप घोल करके और ड्रिप के माध्यम से या सीधे सिंचाई में भी दे सकते हैं, और अगर मौसम जिस तरह का हो रहा है, ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर डाउन है, तो उसमें 2-3 kg सल्फर भी आप मिला करके घोल करके चला सकते हैं। हालांकि सल्फेट NPK में भी 70.5% सल्फर होती है, तो लेकिन बहुत से एक किसान भाई ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा था जब NPK में सल्फर या सल्फेट है तो अलग से सल्फर की क्या जरूरत है। तो सल्फर की काफ़ी मात्रा में किसान भाइयों आलू की फसल में आवश्यकता होती है, हम अगर उस वो उतनी मात्रा नहीं होती जिससे कि उसकी पूर्ति हो जाए, तो आप जो है सल्फेट की फॉर्म के अलावा अलग से WDG फॉर्म यानी कि ग्रेनुअल फॉर्म या आपके वेटेबल पाउडर फॉर्म जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, एल्यूकेट फॉर्म में भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर पानी के साथ चलानी हो तो पानी के साथ भी चला सकते हैं, ध्यान रहे पानी के साथ चलाने में ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब मौसम इस तरह का होता है, जब बादल ही नहीं खुलते, धूप नहीं खुलती है और बिल्कुल जो है नमी बहुत ज़्यादा है वातावरण में, पौधों से ओस नहीं छूट रही, तब उस समय स्प्रे का भी कोई लाभ नहीं होता, इसलिए उस समय केवल क्योंकि ठंड से बचाने के लिए हमें पानी लगाना होता है फसल में, तो आप उस समय पानी के साथ भी इन खादों को चला सकते हो। साथ में 20% बोरोन 200 से 250 ग्राम आपको स्प्रे करना होता है, अगर एक बार अभी लास्ट में कर रहे हैं तो, अगर पहले आपने स्प्रे किया तो 150 से 200 ग्राम मात्रा आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर पानी के साथ चलानी है तो दोस्तों वो 0.5 किलो कम से कम 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको पानी के साथ बोरोन चलानी होगी। तो निश्चित रूप से इसको करने से आपके फसलों में यानी ट्यूबर्स का साइज तो बढ़ेगा ही और शाइनिंग भी उस पर आएगी और उसका वजन भी बढ़ेगा, इसके अलावा क्वालिटी उसकी मेंटेन होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी दोस्तों, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें भी बेनिफिट होगा, फायदा होगा। इसके अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ेगी तो इसका टेस्ट जो है वो भी बढ़ेगा, और आलू स्टार्च यानी कि वो जो आलू के अंदर स्टार्च ही होता है, स्टार्च और प्रोटीन वगैरह काफ़ी मिनरल्स होते हैं, तो स्टार्च बढ़ेगा तो आलू फूलेगा दोस्तों यानी कि मोटा होगा। तो निश्चित रूप से आपको इसको चाहे आप ड्रिप के द्वारा दें, चाहे आप सिंचाई में दें या स्प्रे के द्वारा दें, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा दोस्तों। बोरोन क्या करता है कि बोरोन जो टेढ़ी मेढ़ी साइज आ जाती है तो उसकी सेलवाल को मेंटेन करता है, तो अंदर जब वो फूलेगा और सेलवाल बाहर से मेंटेन रहेगी तो उसकी साइज जो है मेंटेन हो जाएगी, यानी गुड्डे गुड़िया आपके जो छोटे मोटे बनते नहीं बनेंगे। और अगर साइज आपकी
कोई बहुत मोटा आलू है और कोई बहुत छोटा आलू है, इस तरह का है, तो ऐसे कंडीशन में बोरोन की बहुत आवश्यकता है। बोरोन आपके मोटे आलू को तो वहीं रोक देगा और छोटे आलू को फुलाने का काम करेगा। तो ऐसे बोरोन जो है एक ऐसा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आलू की साइज को मेंटेन करता है, यानी प्रत्येक अवस्था में आलू को जो है इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, अगर आलू बहुत मोटा आलू है और फटने के चांस हैं तो उसको तो फटने से रोकेगा क्योंकि सेल वॉल को मजबूत बना देगा और छोटे आलू को फुलाएगा दोस्तों, तो इसलिए बोरोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब दोस्तों एनपीके 0050 विभिन्न कंपनियों के 1 kg के पैकेट को और 5 kg के पैकेट आते हैं, एफको का भी आता है, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी एरिज ने निकाली है जो HD फॉर्म, 100 ग्राम के 2 पैकेट यानी 2 एकड़ का एक पैक आता है, उनको मोपैक जिसको बोलते हैं, वो 400 ग्राम का होता है, उसकी कीमत 300 रुपये के आसपास होती है, उसको भी आप ला करके स्प्रे कर सकते हैं, वो 200 ग्राम प्रति एकड़ ही काफ़ी होता है। बाकी के कंपनियों के घुलनशील जो मोनो आपके पोटेशियम सल्फेट के नाम से आते हैं, घुलनशील हाइड्रेटेड पोटेशियम सल्फेट के नाम से, वो आप 1 kg से लेकर के 1.5 kg प्रति एकड़ आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप में मैंने बता दिया 3 से 4 kg, और जो पानी के साथ भी 3 से 4-5 kg आपका लगाया जाता है आलू की फसल में। निश्चित रूप से आलू का फुलाव हो जाएगा दोस्तों, इवन बस शर्त यही है कि एक तो कोई रोग नहीं होना चाहिए फसल में, और दूसरा जो है आलू का जो वेजिटेटिव पार्ट है, ऊपर का भाग है, वो हरा भरा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका आलू चाहे वो कितने भी दिन का हो गया अंतिम समय में भी फूल जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, उस पर मच्छरों का प्रकोप इस समय न हो पाए, क्योंकि मच्छर जो होते हैं वो आलू की जो क्वालिटी है उसको खराब करते हैं। अब जब मौसम खुलेगा तो मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ेगा। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि बहुत सारे किसानों के क्वेश्चन होते हैं कि किसमें क्या नहीं मिलाना है, तो मैं उसकी बात भी आपको बता देता हूँ। कुछ किसान कह रहे थे कि उस पर EME लिखा आता है, तो उसका मतलब आता है माइक्रो इमल्सन, और इसका यह है कि तेल लिए पदार्थ का पानी में इमल्सन बना के, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सल्फर को जब पानी में घोल देते हैं तो वो सफ़ेद कलर का एक इमल्सीकृत द्रव हो जाता है, तो इस तरह के इसको EME बोलते हैं। OD जो होता है वो भी तेलीय द्रव होता है। इसी तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म और हैं, उनके बारे में बता देता हूं, और ये भी बता देता हूं कि किसको किस में नहीं मिलाया जा सकता। जैसे कहीं कहीं लिखा होगा आपने EC फॉर्म का मतलब होता है इमल्सीफिएबल कॉन्सनट्रेट, तो इमल्सीफिएबल कॉन्सनट्रेट का जो है ये, इसको बादल जब हो रहे होते हैं इस समय की कंडीशन में उसको स्प्रे करना बेकार होता है दोस्तों, और इसमें हमेशा सिलिकॉन्स जो चिपकू होते हैं उनको मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। और ये जो है जो किस में क्या नहीं मिलाना चाहिए, ये जो निर्धारित करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड एक्ट बना था जो है 1969 में, उसके आधार पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों में कई बहुत बड़ा सेटअप होता है दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप होता है, उन लेबोरेटरीज में निर्धारित करके वो पेटेंट कराते हैं कुछ फंगीसाइड्स को, इंसेक्टीसाइड को, कि इसमें ये मिलाया जाता है, इसमें नहीं मिलाया जाता है। तो हम जो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मिला करके स्प्रे करते हैं तो वो भी कभी कभी फसल को नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले दिनों में एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने देखा कि किसान भाइयों ने लगातार स्प्रे करने के बाद भी ब्लाइट नहीं रुकी, या कहीं कहीं उनका तना गल गया, कहीं और भी बहुत सारे नुकसान हुए। तो उसका कारण यही है कि कभी कभी दुकानदार भी क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रेंड होते हैं, लेकिन देखिए हर किसी को ज़्यादा कमाने की होड़ है इस भौतिकवादी युग में, तो कभी कभी वो आपके फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड के साथ आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का पैकेट दे देगा, कुछ लोकल दवाई दे देगा, एक आध के इसको भी लगाइए, तो उसमें जो मात्रा है वो एक तरह से संतुलित नहीं होती और ऐसी दवाइयाँ आपकी फसल पर नुकसान पहुँचाती हैं। तो आप एक पक्का बिल जरूर लीजिए, तो अगर आप पक्का बिल लेंगे तो इस तरह की गलती किसान दुकानदार भी नहीं करेगा, क्योंकि दुकानदार को जिस GST के बिल पर ऊपर से पक्का बिल नहीं मिलेगा तो वो आपको पक्का बिल GST वाला दे ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स अगर खरीद के ला रहे हैं या कोई टॉनिक खरीद के ला रहे हैं दुकानदार से, वो कहता है इसको जरूर लगा दो, फायदा हो जाएगा, लोकल कंपनी का होता है, बहुत सारा उसका रैपर बड़ा चमक दमक वाला होगा, बहुत शानदार और अट्रैक्टिव होगा, लेकिन वो आपकी फसल में ऐसे कुछ दवाइयाँ नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहें किसान भाइयों। एक SC फॉर्म लिखा होता है, SC फॉर्म का मतलब होता है सस्पेंशन कंसनट्रेट, सस्पेंशन कंसनट्रेट, इसमें ये हर किसी मौसम में स्प्रे किया जा सकता है, और इसमें ज़्यादातर हम जो है
चिपको की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये डालते ही अगर इसको थोड़ा सा समय मिल जाए, लेकिन पत्ते पर पानी तो नहीं होना चाहिए, अगर पानी नहीं है और थोड़ा सा भी इसको समय मिल जाता है तो स्वयं ही ये पत्ते पर चिपक जाता है। दूसरा WP के बारे में पहली बार, वेटेबल पाउडर होता है यानी केवल पाउडर होता है जो पानी में घुलनशील होता है, SL फॉर्म लिखी होती है वो सॉल्यूबल लिक्विड होता है, उसमें इसका मतलब अगर जैसे ही पानी में डालेंगे वो घुल जाएगा। WG मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स, ये एडवांस फॉर्मुलेशन है, यानी ग्रेन्यूल्स के छोटे छोटे दानेदार फॉर्म होते हैं और ये टेक्नोलॉजी एडवांस है दोस्तों, जो पहले शुरुआत में केवल वेटेबल पाउडर आता था फिर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आने लगा, तो ये कंपनी में उसको कोई ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इसलिए देते हैं कि हर कोई इसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर सकता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी की फॉर्म में ये ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। दूसरा फिर है SG यानी सॉल्यूबल ग्रेन्यूल्स, ये SG की फॉर्म में होता है, SP सॉल्यूबल पाउडर, तो ये बहुत सारी फॉर्म्स आप लिखे होंगी जो पानी में घुलनशील होते हैं और ये जो है आपके किसको किस में नहीं मिलाए जाते, एक बात और मैं आपको बता दूं, तो कई बार हालांकि मैं ये बात बता चुका हूं, एक है आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड में आपने देखा होगा कि एक होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है सिस्टमिक। कॉन्टैक्ट का मीनिंग है कि उसके जब टच में रोगाणु आएगा, यानी कि यार इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्ट उसके टच में आएगा और फंगीसाइड है तो फंगस उसके टच में आएगा, तभी वो प्रभावशाली होगा फसल पे, यानी कि उसको जब ही मार सकेगा। दूसरा होता है सिस्टमिक। सिस्टमिक क्या होता है कि जब वो क्या है कि जैसे ही आपने दिया पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा या जड़ों के द्वारा भी कभी कभी वो सिस्टम के अंदर यानी पौधे के जाइलम और फ्लोएम के अंदर चला जाएगा और उसके द्वारा पूरे पौधे में फैल जाएगा और वहाँ पर भी अगर कोई रोगाणु है तो उसको वहाँ पे भी मारेगा। अगर उस ऐसे जिसके सिस्टम में पूरे में सिस्टम में फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड फैला हुआ है उसके पत्ते को अगर कोई कीट या इंसेक्ट काट लेगा तो वो उसके बाद मर जाएगा या फंगस उसमें कहीं पर भी उसके टच में आएगा तो मर जाएगा। तो ऐसे जो सिस्टम में फंगीसाइड्स हैं वो थोड़े दिनों तक और थोड़े देर से अपना असर दिखाते हैं। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड इमीडिएट जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है वैसे ही तुरंत फंगस इफेक्ट दिखाता है, तो दोनों को ही हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दो सिस्टमिक, एक आपने सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड और एक सिस्टमिक फंगीसाइड लिया है तो दोनों ही जब सिस्टम के अंदर जाएंगे तो एक दूसरे को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं, तो यहां पर जरूर कंपेटेबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि ये अंदर जाकर के कहीं बहुत ज्यादा नुकसान तो ना पहुंचा दे। ऐसे ही दो आपने कॉन्टैक्ट एक इंसेक्टिसाइड ले लिया, कॉन्टैक्ट एक फंगीसाइड ले लिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के असर को कम कर दें। तो यहाँ आपको ज़्यादातर लेना चाहिए एक, आप जब सिस्टमिक फंगीसाइड ले रहे हैं तो उसके साथ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की कंपेटेबिलिटी है दोस्तों, वो दो सिस्टमिक या दो कॉन्टैक्ट भी चल जाते हैं, तो उनके बारे में समय समय पर आपको मैं बताता रहता हूं और आप कंपनी के जो ब्राउजर होता है उसमें भी स्टडी कर सकते हैं, कंपनी प्रतिनिधियों से भी बात कर सकते हैं और दुकानदार भी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा दुकानदार होगा और अनुभवी होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो भी इस चीज़ को जानता है कि किसमें क्या आपको मिलाया जा सकता है, किसमें नहीं मिलाया जा सकता। इसका शोध लगातार जारी है, आने वाले समय में भी नए नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको। इस समय तक जो भी कॉम्बिनेशन है उसके आपको बहुत सारे, मैंने एक वीडियो पहले ही दिया हुआ है उसका, आप चाहेंगे तो लिंक भी मिल जाएगा, तो आपको मैं बता चुका हूं। अब इनमें से जो आपने देखे होंगे कि जो तेल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं EW, EO, EC, DC, OD, ME। इनको कभी भी पानी में घुलने वाली दवाई WG, WP, SG, SP, SC, EC, SL इन फॉर्म में सामान्यतया कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी ये इनके कंपेटेबिलिटी होती है मिलाने की, लेकिन सामान्यतया इनको आपस में नहीं मिलाते। तो आप नोट कर लें, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, तेल में घुलनशील EW, EO, EC, DC, OD, ME को पानी में घुलनशील WG, WP, SG, SP, SC, EC, SL फॉर्म में नहीं मिलाया जाता सामान्य तौर पर। अब आपको कोई हो सकता है कि ऐसी कंपेटेबिलिटी वाला भी साल्ट मिल गया जो मिलाया जा सकता है, तो आपको किस तरह से घोल बनाना है स्प्रे के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों कि कैसे घोल बनाना है उसको आप समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि इस समय आप PGR भी स्प्रे कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी स्प्रे कर रहे हैं और जो है NPK भी स्प्रे कर रहे हैं और कभी कभी कोई इसके साथ फंगीसाइड भी स्प्रे कर रहा है। हालांकि अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों फंगीसाइड का अलग स्प्रे किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का अलग स्प्रे किया जाता है, एंटीबायोटिक का अलग स्प्रे किया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अलग स्प्रे किया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट जब ही मिलेंगे जब सबका अलग अलग स्प्रे किया जाए। लेकिन इसमें चूंकि लागत बहुत आती है, बार बार लेबर का खर्चा बहुत आता है, इसलिए हम जो है एक दूसरे में मिक्स करके देख लेते हैं। उसके लिए तरीका यही है, एक आप बोतल ले लें, बोतल में
पहले आप थोड़े थोड़े द्रव सभी चीज़ों को जो भी आप डालने जा रहे हैं उनको अलग 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 घोल बना लें। घोल बनाने के बाद उसको एक एक करके बोतल में भर दें और थोड़ी सी उसमें जगह रखें, फिर उसको हिलाएं और जितनी देर में एक टंकी खाली होती है उतनी देर उसको रखा रहने दें। आप देखें कि उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, उसमें गैस नहीं बननी चाहिए, उसका रंग परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पीएच परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। कुछ फंगीसाइड बेसिक मीडियम में कुछ अलग असर करते हैं, एसिडिक मीडियम में कुछ अलग असर करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में कुछ अलग असर करते हैं। अगर यहाँ पीएच परिवर्तन हो गया आपने एक दूसरे को मिक्स करके, तो आपका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, यानी फसल जहाँ फायदे के लिए आपने स्प्रे किया था वहाँ आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि कब मिलाने के लिए ये चीजें, ठंडा और गर्म भी नहीं होना चाहिए और घोल को फटना नहीं चाहिए, ऊपर अवक्षेप भी नहीं आना चाहिए, नीचे भी अवक्षेप बैठना नहीं चाहिए, घोल फटना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। और जब आपका इतनी देर रखने के बाद भी उस बोतल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस तरह का घोल शुरुआत में था वैसा ही घोल बन रहा है, तब आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अब आपको कैसे कैसे इनको टंकी के अंदर मिलाना है दोस्तों। टंकी 15 लीटर की भी है, 25 लीटर की भी है और 500 लीटर की भी है। आपकी जो भी जिस भी टंकी है उसकी मात्रा आपने जब डिसाइड कर लेंगे कि इस 15 लीटर में कितना क्या डालना है, उसके बाद 500 लीटर क्या डालना है, तो सबसे पहले टंकी में आधा पानी भर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले पानी भरने के बाद फिर उसके अंदर एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सॉलिड फॉर्मुलेशन वाली चीजें हैं उनका घोल जो आपने बनाया है उसको डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप डालेंगे वाटर सोल्यूबल जो भी आपको मिले थे मटेरियल्स, उनका जो घोल बना रखा है उसको डालेंगे दोस्तों। उसके बाद ऑयल सॉल्वेंट डालेंगे तीसरे नंबर पर, जो ऑयल सॉल्वेंट थे, ऑयल सॉल्वेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं, EW, EO, EC, DC, OD, ME, ये वाले जो फॉर्मुलेशन के, इनको डालेंगे आप। उसके बाद आप सिलिकॉन चिप को डाल के पानी को भर देंगे उसमें, और पानी को भरने के बाद सीधे आप स्प्रे कर देंगे। अगर आपको PGR डालना है तो लास्ट में चिपको से पहले और लास्ट में PGR डालेंगे आप। PGR की रिक्वायर्ड मात्रा डालने के बाद तुरंत बिना देर किए उसको स्प्रे कर देंगे फसल में। और जब आप PGR का प्रयोग कब करना है वहां पर भी कुछ सावधानियां दोस्तों। PGR का प्रयोग वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो, ट्यूबर साइज छोटा हो तभी करें। पत्ता तना और पौधा पूरा हरा भरा हो, पर्याप्त वृद्धि कर चुका हो तभी करेंगे। दूसरा, अंतिम अवस्था में आपका जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे नहीं करेंगे, और आप क्योंकि जिब्रेलिक एसिड केवल नोड एंटी नोड को बढ़ाएगा और स्टोरेज कैपेसिटी को आलू की को कम करेगा। तो ये सब चीज़ें आप जरूर कर लेंगे, जांच करने का तरीका के आधार पर बोतल में जांच जरूर कर लेंगे, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और क्योंकि इस समय आप हड़बड़ी में, और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, हड़बड़ी जो भी स्प्रे आप करने जा रहे हैं, आपके ऐसा हो 3 महीने की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए, तो आप जो भी स्प्रे करने जा रहे हैं बड़ी सावधानी पूर्वक रैपर को देख करके और घोल बनाएंगे। घोल अलग अलग बनाएंगे, टंकी में जैसे बताया वैसे डालेंगे, उसके बाद स्प्रे करेंगे, और उसके बाद भी आप रैपर को एक बोरे में भर करके संभाल के रखिए, क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ना समझ में आए तो उसको रखेंगे, तो अगर कोई गलती हुई है तो उसको देख करके ये तो पता लग जाए कि इस कल, क्योंकि मैंने बहुत सारे किसान भाई पूछा आपने कौन सी दवा स्प्रे करी थी, तो उनको नहीं पता था कि उन्होंने कौन सी दवा स्प्रे करी, क्योंकि दुकानदार ने जो कह दिया ये दवा स्प्रे कर दो, उसने जाके दुकानदार को पाया पहले वाली दवा से तो नुकसान हो गया, दुकानदार को भी नहीं पता कि पहले क्या दी थी, उसने फिर दे दी कि ये स्प्रे कर दो। तो कम से कम आपके पास रैपर सुरक्षित रहेगा तो आप कह सकते हो कि मैंने ये दवा दी थी। तो किसान भाइयों, बहुत ही जरूरी वीडियो है आपके लिए, सभी किसान भाइयों को शेयर जरूर करें, नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, इसके लिए बहुत बहुत आपको एडवांस में धन्यवाद, और आप कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।